Hello everyone, welcome to my YouTube, like, share and subscribe button. So friends, आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सर्वर 2022 पे. 2022 सर्वर की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा. इंस्टॉलेशन के लिए हमें चाहिए इसका ISO फाइल. ISO फाइल को हम पहले करेंगे डाउनलोड. तो डाउनलोड करने के लिए हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को. ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको सर्च करना होगा माइक्रोसॉफ्ट एवोल्यूशन सेंटर. देन आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा. देन आपको फर्स्ट लिंक पर जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट एवोल्यूशन सेंटर. एवोल्यूशन सेंटर पर जाने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा. देन हमें डाउनलोड करना है सर्वर 2022. तो हम क्लिक करेंगे एवोल्यूट नाउ ऑप्शन पर. देन आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा. पेज ओपन होने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड द ISO. आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा. आपको पहले रजिस्टर करना होगा फ्री ट्रायल टुडे के लिए. तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन. तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंपनी नेम लेता हूँ मैं होम, रीजन है हमारा इंडिया, कंपनी साइज हम लेते हैं 1000+, कंट्री कोड है हमारा इंडिया का, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया. यहाँ पर आपको एंटर करना होगा आपका मोबाइल नंबर. कमेंट ऑप्शनल है, आप एंटर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. देन हम क्लिक करेंगे डाउनलोड नाउ ऑप्शन पर. तो आपके सामने कह रहा है जॉब रोल को आपने फिल नहीं किया, तो जॉब रोल डाल देते हैं यहाँ पे सिस्टम एडमिन. देन फिर से क्लिक करेंगे डाउनलोड नाउ ऑप्शन पर. तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया. यहाँ से आप जो लैंग्वेज के अंदर DVD को डाउनलोड करना चाहें वो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्री रिक्वेस्ट में मिल रहा है कि जो आपका सर्वर 2022 है ये आपका एवोल्यूशन एडिशन रहेगा जो एक्सपायर हो जाएगा 180 डेज के अंदर. ठीक है, तो अभी हम इसे डाउनलोड करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में. तो मैं क्लिक करूँगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ISO फाइल पे. क्लिक किया, देन आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा. मैंने अपने सिस्टम में IDM सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है इसलिए आपके सामने ऐसा स्क्रीन आ रहा है, अदरवाइज आपको डाउनलोड ऑप्शन में ये मिलेगा. तो मैं आपसे क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट डाउनलोड ऑप्शन पे, तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. ISO फाइल हमारी डाउनलोड होगी. डाउनलोड होने के बाद वो हमें मिलेगी हमारी डाउनलोड्स के अंदर. फाइल मेरी ये आ गई, ठीक है, फाइल डाउनलोड हो चुकी. फाइल का साइज़ है 4.69 GB. अब हम इसे इंस्टॉलेशन सीखेंगे इसकी, कि हम इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपने VMware के अंदर. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.